यूसुफ आपका स्वागत है। आपसे क्या पूछा जाए इस वक्त, आपको दो दिन जो आपने देखा आपको क्या लगा? उनसे पूछिए रहे हैं, दो दिन जो देखा, हाँ दो दिन जो देखा, सतीश जी को मैंने पूरा सुना, सतीश जी की बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ने जो ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है इसका असर नॉर्थ ईस्ट में तो फिलहाल अच्छा दिख रहा है, लेकिन सवाल वही है कि राहुल गांधी के गुजरने के बाद उसका फॉलोअप कितना होगा, जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो माहौल बना था उस माहौल को कांग्रेस से उसके बाद कह सकते हैं, कांग्रेस भी दावा करती है कि भाई तेलंगाना में और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो सरकार नहीं बना पाई, वहां वही सब पुरानी चीजें हावी हो गई, आपसी गुटबंदी और जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, तो वो कांग्रेस के उसके लिए अभी भी जो कांग्रेस के नेता वो भी ये बात मानते हैं कि भाई हम यहाँ चले जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्यों इस जो यूनिट है वो क्या करेगी, तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन है राहुल गांधी की अगर हम बात करें पिछले तीन दिन में, एक दिन शुरू किया उन्होंने और दो दिन यात्रा निकाली, तो यहाँ के लोगों में एक गजब का उत्साह है कांग्रेस को लेके, राहुल गांधी को लेके, उनकी यात्रा को लेकर के। अभी जब हम नागालैंड से मणिपुर आए हैं, कोहिमा से इम्फाल आए हैं, रास्ते में हम एक जगह रुके, इत्तफाकन वो जगह वो निकली जहां पर कल राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए रुके थे, उन लोगों से बात की थी, तो उन्होंने इस बात को माना कि भाई इतना जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता हमारे बीच आके हमसे मिल रहा है, हमारी बातें सुन रहा है और उनका समाधान देने की कोशिश कर रहा है, तो राहुल गांधी एक माहौल बनाते हुए चल रहे हैं। वो पैदल चलते हैं तो दोनों सड़कों के, हमने मणिपुर में भी देखा, मणिपुर में भाई 8 महीने से मणिपुर हिंसा में झुलस रहा है और डिवीजन है बहुत बड़ा और एक इलाके के लोग दूसरे इलाके में जाते नहीं है। अभी हम आए तो कई जगह हमारी गाड़ी रोकी गई, सिविलियंस थे जिन्होंने चेकिंग की, महिलाएं थी, बच्चे थे, हाथों में लाठी डंडे लिए अपनी सुरक्षा के लिए, तो हमें पहले बताया गया था कि भाई इस तरह की चीजें आपके सामने हो सकती है तो कोई प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए। तो ये रात के अंधेरे में भी आधा पौन घंटा पहले महिलाएं रास्ते में चेक कर रहे भाई कौन का कहां से आ रहा किधर से आ रहा, तो ऐसे हालात पे अगर राहुल गांधी ने ये हिम्मत दिखाई है कि भाई वो दोनों समुदाय से अलग अलग मिले, बातें की, उनसे सुना, और नागालैंड जब पहुंचे तो नागालैंड जो नगा समूह है अलग अलग उनकी अपनी शिकायतें हैं, अपने उनके ग्रीवेंसेस है, उनके बारे में राहुल गांधी ने सुन के समाधान की कोशिश की, तो समाधान तो कांग्रेस तब दे पाएगी जब वो सत्ता में आएगी। लेकिन राहुल गांधी ने जो माहौल बनाया है इस माहौल को आगे बनाए रखने के लिए और उसे अल्टीमेटली वोटों में तब्दील करने के लिए कांग्रेस को जिस तरह की तैयारी करनी चाहिए, जिस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए, उस प्लानिंग की कमी अभी दिखती है। अभी मणिपुर से यात्रा गुजरी है और नागालैंड में आज पूरी हो गई है, तो वहां की जो स्थानीय इकाई है वो निष्क्रिय हो गई है कि भाई हमारा काम खत्म हो गया, राहुल गांधी आए थे अपनी टीम को लेकर के, मीडिया साथ आया था, वो चले गए, वो अपने ढर्रे पे चलेंगे। एक जो उन्होंने शुरू किया इस यात्रा में कि लोगों से अपील की जा रही है कि आप न्याय योद्धा बनिए, मैंने आज भी कांग्रेस के नेता से कल भी मैंने पूछा था कि मुझे इस पर एक स्टोरी करनी है कि भाई न्याय योद्धा को कौन इंस्ट्रक्शन देगा कि क्या, अभी तो मोबाइल पे मैसेज जा रहे हैं भाई आप न्याय योद्धा हैं, आप अपनी वीडियो बनाइए सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट कर दीजिए, कर दीजिए, तो उससे होगा क्या, होना ये चाहिए था कि भाई आपकी जो आपके साथ जुड़ रहे हैं न्याय योद्धा बनके, आपने नारा दिया कि हम न्याय दिलाएंगे मणिपुर के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, और तो उनका इस्तेमाल कांग्रेस कैसे करेगी, इसको लेके विजन क्लियर नहीं है, कोई प्रेग्नेंट नहीं है कि भाई कितने लोग जुड़े हैं वो क्या करेंगे। यूसुफ भाई जो तीन दिन की यात्रा देखकर मैं आपसे एक शब्द में पूछूं कि इस यात्रा जो तीन दिन में आपने देखा, क्या आपको लगा कि कांग्रेस वहां मरी नहीं है, लोग अभी भी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस मरी नहीं, कांग्रेस से उम्मीदें बहुत है, कांग्रेस की चुनौती उन उम्मीदों पर अपने आप को खरा उतारने की है, कांग्रेस ने हर आदमी उम्मीद लगाए बैठा है कि भाई कांग्रेस कुछ करे, और जंग में होता यही है, जब आंदोलन आप करते हैं तो आपको समर्थन मिलता है, राहुल गांधी यात्रा लेकर निकले हैं तो समर्थन मिल रहा है, जिस दिन राहुल गांधी ने यात्रा अपनी शुरू की उस दिन कार्य समिति के लोग, जनरल सेक्रेटरी, प्रदेश अध्यक्ष, सीएल प्रेसिडेंट, इन सबको बुलाने का आखिर मकसद क्या था, इन सबको बुलाने का मकसद यही था कि कांग्रेस राहुल गांधी ये संदेश देना चाहती थी कि भाई मणिपुर जिस संकट के दौर से आज गुजर रहा है, जिन हालात से गुजर रहा है, भले ही देश का प्रधानमंत्री यहां नहीं आए लेकिन कांग्रेस, पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, इस तरह का शुरुआत एक बड़ी शुरुआत मानी गई, और मणिपुर में खासकर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो महिलाएं हैं, उनमें जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है,
मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि क्रेज बहुत ज्यादा है भाई, घंटों लोग सड़कों के किनारे खड़े हुए हैं इंतजार करने के लिए, और राहुल गांधी उनसे मिल के, सबसे तो नहीं मिल सकते लेकिन जहां मुमकिन हो रहा है वो मिल रहे हैं, बावजूद इसके कि उनको ये ब्रीफ है कि सिक्योरिटी थ्रेट आपको है, आप पैदल ज्यादा ना चलिए और ज्यादा घुले मिले, लेकिन उसके बावजूद वो सिक्योरिटी की परवाह ना करते हुए जहां उनका मन कर रहा है वो लोगों से मिल भी रहे हैं, बैठ के बात भी कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, अपनी बात समझा भी रहे हैं। अब इसके पीछे का जो फॉलोअप है वो कैसे कांग्रेस करेगी? अगर वो कांग्रेस फॉलोअप करने में कामयाब हो जाती है तो नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस दोबारा से जिंदा हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट की मिला के लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने शायद 1 या 2 सीटें असम में जीती है, बाकी किसी और राज्य में न उसकी कोई सरकार है न उसकी कहीं, अभी मिजोरम में चुनाव हुए थे बहुत बुरी हालत कांग्रेस की रही, तो हालात बदल सकते हैं, उसी की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। अब राहुल गांधी अपने लेवल पे जो कोशिश कर रहे हैं वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बाकी बैकअप में जो चलना चाहिए उसकी कमी तो साफ तौर पर दिखती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।